बार बार हो रही बेमौसमी बरसात से सब्जी की पनीरी तैयार कर किसानों को बेचने का कार्य करने वाले नर्सरी उत्पादकों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। खराब मौसम के चलते रोपाई के लिए खेत तैयार न होने के कारण अब तक प्याज की फसल नहीं लगाई जा सकी है, जिससे जहां सब्जी का कार्य करने वाले किसान चिंतित हैं, वहीं नर्सरी उत्पादकों की माने तो पनीरी न बिकने के कारण उन्हें अब तक लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। रादौर में पिछले कई वर्षों से सब्जी की पनीरी बेचने का कार्य करने वाले सुधीर गिल ने बताया कि इस बार बेमौसमी बरसात उनके लिए किसी आफत से कम नहीं रही है। मौसम साफ न होने के कारण सब्जी की पनीरी नहीं बिक पा रही है। उसने बताया कि इस बार उसने करीब 500 एकड़ में रोपाई के लिए प्याज की पनीरी की बिजाई की हुई है। पनीरी तैयार है, लेकिन बेमौसमी बारिश ने परेशानी बढ़ा रखी है। उसने बताया कि किसान जैसे ही खेत को तैयार करने की सोचता है तो फिर से बारिश हो जाती है, जिस कारण उसकी पनीरी नहीं बिक पा रही है। उसने बताया कि जनवरी माह में प्याज की रोपाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन खराब मौसम के कारण अब तक प्याज की रोपाई नहीं हो पाई है। उसने बताया कि अकेले प्याज की नर्सरी न बिकने से उसे लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। वहीं टमाटर की जो नर्सरी नीचे के एरिया में थी, उसमें जल भराव होने से वह भी खराब होनी शुरू हो चुकी है। सर जी, अब की बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई जी। पहले सर्दियों में चलो थोड़ी बहुत बरसात होती थी, कोई नुकसान नहीं था। अब की बार जो भी बरसात हो रही वो नुकसान है जी, सभी फसलों में, चाहे गेहूँ ला लो चाहे और सब टमाटर की जिसने लगा रखे होंगे खेती फसल, वो सबकी नुकसान है जी। और मेन तो नर्सरी वाले को जैसे प्याज की पौध लगनी थी अब खेतों में, तो अब खेत बात नहीं आएंगे और जैसे बीमारी भी आने का चांस रहेगा खेतों में जी। अब जैसे प्याज की पौध है तो या तो ओवर हो जाएगी, और ओवर होने के साथ मौसम नमी वाला है, इसमें नीचे से गलन आने की शिकायत रहती है जी अब की बार। और टमाटर में आए और वो ज़्यादा ओवर हो जाएगा, जिससे किसान लगाना पसंद नहीं करते, ओवर पौध छोटी पौध लगाते हैं जैसे जी किसान। प्याज का बस आपके 15 फरवरी तक 5 दिन और रहेगी जी आपके, इसके बाद तो फिर जो भी लगाएगा फार्मर की औसत एवरेज कम आएगी, पर लगेगा तो प्याज। पर जैसे आप जो आप लगाते प्याज वो 100 क्विंटल निकलता है, जो आगे लगाओगे 80-85 क्विंटल रह जाता है, यानी 10-15 क्विंटल का फर्क पड़ जाएगा किसान के खेत में जी। ऐसे में बरसात से हुई जल भराव को सेफ्टी टैंक की मदद से बाहर निकाला जा रहा है, ताकि नर्सरी को खराब होने से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स।